ए जाड़ा, वो लोग आएंगे ना? मैंने बोला है वो आते ही होंगे। सूर्या। हाँ तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण यह है कि अब से तुम लोगों को मेरे साथ रहना होगा। इतने दिन तुम लोग किसके साथ रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब से मेरे साथ तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा और मासूम लोगों को डरा धमका के तकलीफ नहीं दोगे। ये सब ध्यान में रखो, हम जो काम करेंगे उससे समाज का भला होना चाहिए, बर्बादी नहीं। गुंडों को सब लोग खूनी धोखेबाज समझते हैं, उन सबको पीछे छोड़कर हम क्या है उन्हें दिखाना होगा। और जहां जहां गलत काम हो रहे हैं उसे हमें सही करना होगा। खूनियों के लिए खूनी बनना होगा, धोखेबाजों के लिए धोखेबाज बनना होगा, टोटली बताऊं तो बुरे लोगों के लिए बुरा बनना होगा। जो औरतें घर के सामने रंगोली बनाती हैं या पार्क में घूमने जाती हैं, उनके गले की चेन पर किसी ने हाथ डाला तो काट डालेंगे हम। ताले लगाए हुए घरों में ताला तोड़कर अगर किसी ने पैर रखा तो वो पैर तोड़ देंगे हम। अगर हम में से किसी ने भी राजा बनने की कोशिश की तो पुलिस वाले हमें उठा लेंगे। गुरु जो कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीछे जो खड़ा होगा उनके लिए मैं भगवान हूँ, आगे जो आएगा उनके लिए मैं यमराज हूँ। सब लोग अच्छे से सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं है सूर्या भाई, आपने जो कहा वो सही है। भाई इस समाज वालों ने हमें गलत समझा है, उसे ठीक करने का मौका मिला है। आज से हम लोग आपके पीछे खड़े होकर सपोर्ट करेंगे सूर्या भाई। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो, सुबह से शाम तक ऑटो में घूमकर पैसे मांगा तो परेशान क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ ना, ये लो। दो फिर? भाई साहब ऑटो का मीटर 180 रुपए बता रहा है, जितना पैसा है उतना ही दो, 50 रुपए क्यों दे रहे हो? अबे बुड्ढे मेरे पास इतना ही है, चाहिए तो ले। हाँ मैं बुढ़ा हूँ, तू तो जवान लड़का है, हम जैसे मेहनत करने वालों को परेशान कर रहा है ना, वो भगवान भी तेरा कभी अच्छा नहीं करेंगे। क्या मेहनत करता है बे, ऑटो में बैठता है, स्टार्ट करता है, गियर डालता है, तू इसके अलावा क्या करता है तू? एक ऑटो ड्राइवर को तूने समझ क्या रखा है, अपने जान को जोखिम में डालकर ऑटो चलाते हैं। बगल से अगर एक कार वाले ने आकर टच किया तो एक हफ्ते की कमाई ऐसे ही खर्च हो जाती है। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करके ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाना मतलब खेल करना नहीं है। गांव में किसान जैसे बीज बोते हैं ना, वैसे ही हम ऑटो वाले मेहनत करते हैं। पी कर बोल रहा है ना, मेहनत करने वालों के बारे में तुझे क्या पता है? तू कितना भी भाषण दे दे मैं तो इतना ही देने वाला हूँ, ये ले। ए ए ए कौन है बे तू, ये तेरा बाप है या रिश्तेदार? ऑटो ड्राइवर हमेशा बाप या रिश्तेदार ही नहीं होते। तूने इन ऑटो ड्राइवर को क्या समझ रखा है, तुझ जैसे को काट कर रख देंगे। एक भी दिन अगर इन्हें भाड़ा नहीं मिला तो इनकी हालत क्या होती है पता है क्या तुझे? ऑटो वाले के ऊपर मुझे बहुत अभिमान है, तुझे पता भी है। देख तेरे घर में अगर कुछ भी हुआ तो पहले यही आते हैं, लेकिन तुम लोग इस ऑटो को बैलगाड़ी से भी गया गुजरा समझते हो। देख साले मीटर का बिल जितना हुआ है उतना देकर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आते टाइम, तू सिंगल आया था ना, जाते टाइम डबल करके भेजूंगा और वो भी डॉक्टर के साथ। इनकी जगह कोई और होता तो तेरा कचूमर निकल जाता, समझा? ये सीधे हैं इसलिए इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप इनका सारा पैसा देकर जा। ठीक है रख लो। ए सुन इधर आ, इधर आ बे। क्या बे? मीटर पर 180 रुपए हुए हैं, 20 रुपए टिप्स से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, मीटर का पैसा ही काफी है, जा। देखा बेटा कितनी गलत बात कर रहा था। चिंता मत करो, जाने दो सर, एक हाथी जब रास्ते से गुजरता है तब ऐसे हजार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी मस्त पलंग चलता रहता है, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों के बारे में मत सोचो सर, हाथी की तरह चलते रहो। क्या कहूँ बेटा, मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बड़ी है। सर सर बड़ी बातें मत करो सर, इस ऑटो को देखकर कुछ याद आता है मुझे, चलता हूँ सर। चलता हूँ ऐसा नहीं कहते हैं बेटा,
जाकर आता हूँ ऐसा कहते हैं। ठीक है सर, कभी न कभी तो जाना ही है। अच्छा लड़का है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, मुझे देखकर गाड़ी क्यों रोक रहा है? क्या सर, सूर्या अकेला है इसलिए अरेस्ट करने आए हो क्या? देख सूर्या, एक बात बताता हूं, मैं भी तेरी तरह अनाथ हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा कर्तव्य ही मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन है, ऐसा समझता हूं मैं। तुझे इस समाज का अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन तू उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तेरे में एक शक्ति है, उस शक्ति को दुष्टों का वध करने के लिए इस्तेमाल कर, इस समाज में अच्छा बनकर रह। इतने दिनों तक तू बुरा बनकर रहा ना, तुझ में रहने वाली इच्छा के लिए तुझे मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। हम जैसे ऑफिसर्स को एक जगह पर रुकने नहीं देते ये लोग, ये ब्लडी सिस्टम। जहां पानी नहीं होता वहां पे ट्रांसफर किया है। माय फुट, नया आईपीएस ऑफिसर यहां पे ट्रांसफर होकर आ रहा है। पहला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंटी रॉडिज्म स्क्वाड है, थोड़ा होशियार रहना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। हेलो लकी। यार तेरे साथ रहकर हम कभी एंजॉय नहीं कर पाते, क्या हुआ है तुझे यार? यहाँ पर क्लब में हम लोग डांस कर रहे हैं, अगल बगल लड़कियाँ हैं, लाइफ फुल एंजॉय कर रहे हैं। मस्तान, जाड़ा, मुन्ना सारे मेरे साथी हैं। न्याय, नीति, धर्म तू ही रख, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम अपने रास्ते और तू अपने रास्ते। गुड बाय। मेरी एज छोटी थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के भरोसे बड़ा हुआ। लेकिन मेरे साथ रहने वाले दोस्तों के लिए पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मुझे छोड़कर गए। लेकिन पहले जब मैंने रंगा का मर्डर किया था, तभी मेरा बॉस शक्ति, मेरे गुरु, मेरे देव ने मुझे स्टेशन से बाहर निकाला। सब कुछ मेरे सोच के हिसाब से नहीं हुआ। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। इस दुनिया में असली प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। आगे मेरे साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। ए सूर्या, आप कौन हो? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, कविता और कहानियां लिखता हूँ। फिर भी ये पेपर पढ़ लो। पढ़ लो। सूर्या, मैं भरत भगवान। परसों जब तू मुझे मिला था मैंने कुछ नहीं कहा था। तुझे मैं एक सच बताना चाहता हूँ, शक्ति अभी तक मरा नहीं है। एक लावारिश लाश मिली थी, वो दिखने में शक्ति की तरह थी, इसलिए वो शक्ति है ऐसा कहकर प्रचार किया गया। शक्ति तब यहाँ नहीं था, दुबई में सेटल हो गया था। मैंने ही उसे ये बात बताई थी, तभी हम दोनों ने फैसला किया। मैंने ऐसा क्यों किया कहूँ तो शक्ति एक गुंडा है, लेकिन उसने आज तक किसी अच्छे आदमी को तकलीफ नहीं दी। अच्छे इंसान को अच्छाई बनकर रहना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। मैं और शक्ति बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं, और शक्ति ने ही मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया था। वो भगवान ही अब मुझे रास्ता दिखाएगा। सूर्या, तुझे ये पढ़ने के बाद क्या लगा? डोंट वरी सूर्या, चिंता मत कर, वहां कोई इंतजार कर रहा है तेरा। जाओ।
इस हादसे को देखकर उस जमाने में मैंने जो तलवार पकड़ी थी वो याद आ रहा है। वो सब याद करके धरती माँ, तलवार पकड़े हुए हाथ से ये मिट्टी हाथ में लेकर तेरी सेवा करने को मिल रहा है, कितना भाग्यशाली हूं मैं। जानते हो ना, दो दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस गांव की धूप में बैठकर क्या सोच रहे हो आप? हाँ, सोचना पड़ता है ना। पुरानी यादें एक एक करके याद आ रही है मुझे। तुझे देखकर देखते रहने का मन करता है सुची। वैसी बात नहीं है, आप तो मेरी जान हो, आप मेरे प्राण हो। वो भी ठीक है, तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, इसके अलावा और हमारा कौन है? हम दोनों एक ही हैं। क्या बोलती हो सुची? तब तुम कैसी लगती थी सुची? तब तुम कॉलेज की लड़की थी। आप भी कुछ कम नहीं थे। चार लड़कों को पीछे रखकर मुंह में सिगरेट रखकर मुझसे मिलने आते थे। आपको देखते रहने का मन करता था मेरा। बच्चे नहीं है इसीलिए नाराज मत हो सुची। मेरे लिए तू बच्ची है और तेरे लिए मैं बच्चा हूँ। हम दोनों के लिए हम ही बच्चे हैं। दोनों का प्यार अमर है सुची, अमर। अरे 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 शिवा भगवान। बहुत धूप हो रही है, चल नहीं पा रही हूं। इतनी धूप में ये यहां पर क्यों सो रहे हैं? अरे सुची, तुम्हें आकर कितना समय हुआ? मुझे आए हुए बहुत समय हो गया है। चलो हम लोग घर चलते हैं। ठीक है, आओ घर चलते हैं। क्या देख रहे हो? अगर पुरानी सब कुछ अच्छी यादें होती तो याद आती रहती है। वो सब कड़वी यादें हैं, फिर भी बीच बीच में आती जाती रहती हैं। क्यों सूर्या, पुरानी बातें याद आ गईं क्या? आपको खाना खाए 2 दिन हो गए हैं, मैंने भी तब से खाना नहीं खाया है। मैं आपके लिए चावल लेकर आई, खा लो ना सूर्या। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को मना कैसे कर सकता हूँ।
तेरे हाथों से खाने का नसीब है मेरा, खिला। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुची, मैं अकेले खा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ तुम भी खाओ ना सुची। सुची, पता नहीं क्यों आज मेरा मन तुम्हारी गोद में सोने को कर रहा है। मैं सो जाऊं क्या? पूछने की जरूरत है क्या सूर्या तुम्हें? आओ। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकती सूर्या। अब हम हमेशा साथ रहेंगे सूर्या। सूर्या, 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 सूर्या।